कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीना ने कहा, कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को ट्रांसमीटर लेने नहीं जाना पड़ेगा। प्रतापगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल मीना ने दिनांक 28 नवंबर 2018 को गांव अवलेश्वर, रजोरा, झांसी, संचई, सोहनपुर, सीधेरिया, बेलारा, बेलारी, बरखेड़ी, कुल्थाना, सन्नोटी, सेलरपुर, छोटा रायपुरिया, बिलिसरी, जहाजपुरा, घासखेड़ा, जहाजपुर, गंधेर गाँव में जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं की। कांग्रेस की भाजपा के जनजाति मंत्री नंदलाल को लिया आड़े हाथ तथा कहा कि मंत्री नंदलाल ने प्रतापगढ़ का विकास नहीं किया और पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र को खड्डे में डाल रखा, जबकि उसका पुत्र पिछली बार प्रधान रहा, वर्तमान में बहु जिला प्रमुख है और वह मंत्री है, इसके बावजूद क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। प्रतापगढ़ क्षेत्र में किसान बेहाल हैं, युवा बेरोजगार हैं और मंत्री मदमस्त हैं। आम जनता त्रस्त हो चुकी है, पूरे क्षेत्र में परिवर्तन का माहौल है। जहां जहां भी मैं जा रहा हूं, वहां जनता का अपार स्नेह और प्रेम मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ने कहा कि आज किसानों के खेत पर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 15 दिन महीने भर तक ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता और उनसे अवैध वसूली की जाती है। अगर मैं प्रतापगढ़ विधानसभा से विधायक बनता हूं तो किसानों के जले हुए ट्रांसमीटर किसानों को 3 दिन के अंदर अंदर दिलाऊंगा तथा विद्युत विभाग के कर्मचारी व ठेकेदार नया ट्रांसफार्मर लेकर किसान के खेत पर जाएंगे, चेन कुप्पी भी साथ ले जाएंगे और जला हुआ ट्रांसफार्मर उतारेंगे और नया ट्रांसफार्मर चढ़ा के आएंगे और बदले में एक पैसा नहीं लगेगा। और किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर कई लोगों से अवैध वसूली की जाती है, वह भी नहीं की जाएगी तथा प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सभी विभाग में खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रतापगढ़ क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होगा और आम जनता का काम समय पर सुगमता से किया जा सकेगा। यह जानकारी ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह गुर्जर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।